हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राजेंद्र कॉलेज के बारे में। आपको बता दें कि फूड ब्लॉग के साथ साथ ऐसे ब्लॉग भी आएंगे कुछ जिसमें जानकारियां होगी। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे राजेंद्र कॉलेज के ब्लॉग के बारे में। तो दोस्तों, राजेंद्र कॉलेज बिहार राज्य के छपरा जिले में स्थित एक सबसे अच्छे कॉलेजों में से एक है, जो कि छपरा जिले में स्थित है। और ये कॉलेज भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के नाम पे इस कॉलेज की नामांकन हुई। और राजेंद्र प्रसाद की जन्म सिवान के जिला देई में हुई थी, जो कि छपरा जिले में ही पड़ता था, लेकिन अब वो बट गया है। आगे बात करें इस कॉलेज की, तो ये कॉलेज नैक के ग्रेडिंग में सबसे टॉप लेवल पे है छपरा जिले में। और दोस्तों, अगर बात करें इस कॉलेज की, तो ये कॉलेज एक अच्छे प्लेग्राउंड और एक अच्छे लाइब्रेरी के साथ साथ यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल भी एक अलग बनाया गया है। और इसकी कैंपस की बात करें तो छपरा जिले में सबसे बड़े कैंपस वाला ये एक कॉलेज है। और यहाँ पे आपको एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको अच्छे नंबर्स ज़रूरी हैं, और अच्छे नंबर से यहाँ पे आपका जो है एडमिशन हो जाता है। और ये कॉलेज 1990 के पहले बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, लेकिन 1990 के बाद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और उसके बाद ये जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने लगा। और ये कॉलेज के बाद दूसरे नंबर पे आता है जगदम्ब कॉलेज, उसका भी वीडियो लाएंगे। तो राजेंद्र कॉलेज आपको बता दें, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के नाम पे पड़ा था, इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। और इस कॉलेज का जो है कि स्थित है छपरा के बीचों बीच कॉलेज स्थित है। और इस कॉलेज में आपको बता दें NCC भी होता है, और NCC के लिए चार कॉलेज छपरा में स्थित है, राजेंद्र कॉलेज, जगदम्ब कॉलेज, राम जयपाल कॉलेज, ऐसे कॉलेज हैं जिसमें कि NCC होता है। और बात करें इस कॉलेज की, तो कॉलेज में थोड़ी साफ सफाई कम है, और ये कॉलेज 83 साल पुराना कॉलेज है। तो आप समझ सकते हैं ये कॉलेज, और इसमें एक घड़ी भी था जो कि बहुत ही, उस घड़ी का भी एक अलग कहानी है। तो उस घड़ी की कहानी सुनने के लिए अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करिएगा, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ के लोगों से जानेंगे। तो यही था आज का वीडियो राजेंद्र कॉलेज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।